वालेकुम जी। तो सामने जड़ा चेहरा तुसें की दिसना ना, तो यो भाई साहब मौत ने कुएं च गड्डी और मोटरसाइकिल दो चलाने, तो यो पाकिस्तान ने दे इन्हें कहने उर्दू बीच गल करने। जनाब कौन सी जगह से हैं आप? मैं कसूर से हूँ। और कितने अरसे से जनाब ये चला रहे हैं जी? ये 30 साल से। 30 साल से मतलब कोई हादसात, कोई वाकियात, कोई अपनी ज़िंदगी के किस तरह इस तरफ आए? बस इधर आए, शौक पैदा हो गया देख के। और मुझे ये बताएं कि कितना कोई कमा लेते हैं आप? ये तो जान की बाजी है, जिसने मौत का कुआं नाम रखा है वो तो 100 out of 100 एग्जैक्ट रखा है जी। बस तो शुक्र है अल्लाह का ठीक है। हाँ सिस्टम ठीक है, रोजी रोटी चल जाती। तुसां दी पंजाबी बोल दे हो जी? तो फिर पंजाबी च बोलो ना जी, असी अपनी जबान इस गल करने। बंदे नु तक लियो जी, ए तक लियो जी, पसली भी तक लियो। साढ़े को बड़े बड़े कारीगर ने, लेकिन यह जी कारीगरी नहीं होती। कोई जिंदगी ना वाकया शेयर करो जी, कोई चंगा शेयर करो, जो मंदा शेयर करो, जो ताड़ी मर्जी। मजे की है जिंदगी। नहीं कोई वाकया सुनाओ ना, सानू भी सुनाओ। सारी जिंदगी मजे की, सारी जिंदगी मजे की। तो कितनी एक देर चलाते हैं कोई जिस जगह पे आप आते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर से पैसे लेते हैं, या फिर आपकी तरफ से होता है? ये इवेंट होते हैं पाकिस्तान में भी, बाहर के मुल्क में, जिधर भी हमें बुलाते हैं। हम 20-25 आदमी हैं पाकिस्तान में जो कार चलाते हैं। ठीक है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में 20 से 25 लोग हैं जी, पूरे पाकिस्तान। तो ये इसी कुएं में आके सीखी, कोई हादसा किए या आनन फानन से आपने सीखी? सीखने में नहीं हादसा हुआ, बस सीखने के बाद हुआ। फिर मशीनरी है, कोई भी मिस्टेक हो जाहिर है। और मुझे बताएं कोई हड्डी वगैरह कभी कोई टूटी हो हादसा में? कितने कोई हादसा हुए? टूटा हुआ है जिसमें राड है, बाजू में राड पड़ा हुआ है, बाकी छोटी मोटी। तो कभी आपकी 30 साल सफ़र में कभी कोई बंदा फोत हुआ हो मौत के कुएं में? हो जाता है हार्ट अटैक के साथ, गिरने से नहीं हुआ फोत, हार्ट अटैक के साथ होता है। मुझे ये साइंस समझाएं कि खड़े पे बाइक या गाड़ी जाती है तो वो वापस नीचे कैसे आती है? कौन सी वेलोसिटी है जो उसको उधर रोकती है? प्रैक्टिस है, जितनी इंसान कर ले। मेरी अभी 30 साल की प्रैक्टिस है, मैं जैसे मर्जी इसको चलाता हूँ, मुझे नहीं महसूस होता। आपको नहीं महसूस होता? कोई नया आदमी अगर सीखना चाहे तो कैसे सीख सकता है? नया आदमी सीखेगा, 30 साल तक चलाएगा, फिर उसकी इतनी सर्विस होगी? नहीं, कोई नया आदमी अगर इस शोबे में आना चाहे तो वो किस तरह से आ सकता है? वो साथ काम करता है, उसको ट्रेनिंग देते हैं, 1 साल में वो चलाने के काबिल हो जाता है। 1 साल में कोई वो ट्रेनिंग की फीस लेते हैं या उसको साथ में? फीस नहीं होती, बस वो उस्तादी शागिर्दी होती है। उस्तादी शागिर्दी होती है, पीरी मरीदी वाला चक्कर है सारा। तो क्या कहते हैं कि नए लोगों को आना चाहिए? नए लोग आते ही नहीं है। क्या वजह है? कोई आते भी हैं तो रस्ते में छोड़ जाते हैं, बस डर जाते हैं, कुछ डर जाते हैं। कुछ वैसे भी निज़ाम इतना मुश्किल हो गया कि बंदा रोजी के बगैर रह ही नहीं सकता। कितने शागिर्द हैं आपकी 30 साल सफ़र में? मेरे शागिर्द होंगे 100 से ऊपर होंगे। 100 से ऊपर होंगे माशाल्लाह से भाई साहब। मौत के कुएं में गाड़ी और वो जो है वो बाइक ड्राइव करते हैं, ना सिर्फ अपना रोज़गार बनाते हैं बल्कि 100 से ज़्यादा इनके जो है ना वो शागिर्द भी हैं, जिनको इन्होंने इनके तफैल वो बरसरे रोज़गार हुए। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मजबूरी या हालात या शौक इंसान को इस तरफ ज़रूर लेके आता है। आपका नाम मैंने नहीं पूछा। मेरा नाम सैयद बिशारत है। सैयद बिशारत अली साहब कसूर से इनका ताल्लुक है जी। बहुत शुक्रिया जनाब ने हमें वक्त दिया। और ये रहा जी वो मौत का कुआं, वो खूनी मंजर। हम आए थे जी दातोट फेस्टिवल में, तो यहाँ से जो है ना हम आपको 360 फेस्टिवल का जो वो नज़ारा दिखाते हैं। अभी चूँकि लास्ट ये मौत के कुएं का सेशन था तो इसलिए क्राउड यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसीलिए यहाँ पे सन्नाटा है। फ़िलहाल रमज़ान सीर आपसे चाहेगा जी इजाज़त, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं जी। जज़ाकअल्लाह।